तो स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। मैं हूं निखिल। हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग तीन साल्ट को पढ़ने वाले हैं जो कि हो जाता है बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा और पीओपी जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। इस तीनों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और भी जो तीन साल्ट है इसके पिछले पार्ट में मैंने कवर कर दिया है। अगर नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पहले वो देख लो फिर ये वाला पार्ट देखना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले पार्ट को। तो सबसे पहले समझते हैं बेकिंग सोडा क्या होता है। बेकिंग सोडा हमारे घर में यूज होता है। इसका अगर केमिकल फॉर्मूला का बात करें तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, इसको बोला जाता है, ठीक है। इसका केमिकल जो नेम होता है उसको सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। दोनों नाम आप उपयोग कर सकते हो, दोनों चलेगा, कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं पे अगर सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा है दोनों का मतलब सेम होता है, आप दोनों उपयोग कर सकते हो। मैं तो कहूंगा आप यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से इसको उपयोग करो, एक नाम पकड़ो यूज करो, लेकिन दोनों नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं पे क्वेश्चन में अगर दूसरा नाम दिया है तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, चीज वही है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, NaCO3 रहता है, Na2CO3 रहता है, तो उसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, तो वही चीज है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है इसलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला NaHCO3 हो गया, ओके। अब इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो प्रिपरेशन करने का आप यहाँ पे रिएक्टेंट बहुत सारे हैं, इसको आप देख लो फिर आपको याद कर लो फिर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ठीक है, NaCl, H2O, CO2 और NH3 अमोनिया, इन चारों का अगर आप लोग मिलाते हो तो इन चारों के मिलाने से हमारा जो प्रोडक्ट निकलता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो रिएक्टेंट में यहाँ पे चार हो जाएंगे, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इन चारों को मिलाओगे तो आपको अमोनियम क्लोराइड जो कि एक अलग टाइप का साल्ट होता है ये बनेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट ये भी एक साल्ट होता है ये भी बनेगा, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट से हमें मतलब है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे हमें इस प्रोसेस से प्राप्त होता है, ओके। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट होता है, थोड़ा सा ये बेसिक नेचर का होता है, माइल्ड होता है, नॉन कोरोसिव होता है, ये आपको नुकसान ज्यादा नहीं पहुंचाएगा। इसको काफी ज्यादा यूज किया जाता है, जिसका यूजर्स अभी आने वाला तो वहां पे हम लोग इसको समझ लेंगे। तो माइल्ड हल्का सा बेसिक साल्ट यहाँ पे ये होता है, ठीक है। इट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग, अगर इसको हम लोग हीट करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है। आप जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ पे सोडियम कार्बन Na2CO3 प्लस H2O का फॉर्मेशन करेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। आप देख लो सोडियम दो है, यहाँ पे दो हो गया, बैलेंस्ड हो गया, कार्बन यहाँ पे दो है, दो ठो कार्बन है, तो यहाँ पे एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, दो भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखो तो 3 × 2 = 6 ऑक्सीजन है, तो 3 यहाँ पे, 3 × 2 = 5 और 1 = 6 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2, तो रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम लोग हिट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है, ठीक है। इसका उपयोग काफी जगह होता है, इसका उपयोग अभी कहाँ कहाँ होता है वहां पे मैं बताऊंगा, लेकिन ये जो इसका बेसिक है सोडियम बाइकार्बोनेट को हिट करने से सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये काफी यूजफुल है, अभी के लिए याद रखो इसको, अभी आने वाला है इसका उपयोग। अब यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा के बारे में बात करते हैं। तो बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। बेकिंग पाउडर अलग होता है, बेकिंग सोडा अलग होता है। बेकिंग सोडा अभी हम लोगों ने पढ़ा, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं, NaHCO3 को बेकिंग सोडा कहते हैं, लेकिन इससे बनाया जाता है बेकिंग पाउडर। तो हमारे घर में बेकिंग सोडा का भी उपयोग होता है, बेकिंग पाउडर का भी उपयोग होता है, ठीक है। खाने को क्रिस्पी बनाने के लिए सोडियम बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, बेकिंग सोडा में थोड़ा सा एक माइल्ड इडिबल एसिड जैसे कि टार्टारिक एसिड को इसमें मिला दिया जाता है, ठीक है। तो एसिड और बेस का ये मिक्सचर होता है ड्राई फॉर्म में, ठीक है, जो कि बनता है बेकिंग पाउडर। और इसको जब हम लोग हीट करेंगे, ठीक है, या फिर वाटर में डालेंगे तो यहाँ पे हमें सोडियम साल्ट ऑफ जो एसिड है उसका सोडियम साल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट में यहाँ पे H प्लस लिखा है, ये टार्टारिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा सोडियम Na प्लस साल्ट, ठीक है, सोडियम साल्ट बन जाएगा, प्लस यहाँ पे H2O वाटर रिलीज होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा।
बेकिंग पाउडर थोड़ा सा फास्ट होता है, इसको अगर हम लोग जैसे ही अगर अपने जैसे खाना बना रहे हैं उसमें अगर हम जहां पे बेकिंग पाउडर का उपयोग करेंगे तो वहां पे एसिड एंड बेस का दोनों का मिक्सचर इसमें डाला हुआ है, जैसे ही इसको थोड़ा भी हीट करेंगे या फिर वाटर यहाँ पे मिलेगा तो वाटर में जाते ही आयंस में टूट जाता है, हाइड्रोजन आयंस में एंड हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है यहाँ पे एसिड जो है, जैसे कि ये स्लाइटली बेसिक है ना तो हाइड्रोक्साइड आयन देगा, या फिर जो है एच प्लस है वो साइटिक एसिडिक आयन है तो एसिड एंड बेस मिलने पे साल्ट का फॉर्मेशन होता है, और वाटर में गया एच प्लस आयन ओएच माइनस आयन दिया तो यहाँ पे साल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन बहुत तेजी से होने लगता है, जिसके कारण ये काफी तेजी से खाना को फ्लफी बना देता है, ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आने के कारण जो हमारे आटा गूंद के रखते हैं अगर उसमें बेकिंग पाउडर मिलाते हैं तो वो धीरे 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 वो फूल जाता है, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है इस केमिकल रिएक्शन में और वो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना देता है खाने को, तो बेकिंग पाउडर का यहाँ पे इस्तेमाल है। बेकिंग पाउडर में सोडियम बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टार्टरिक एसिड को ड्राई फॉर्म में मिक्स किया हुआ रहता है, ठीक है। अब यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा में और भी देख लेते हैं, यूज्ड एज एंटा एसिड, जैसा कि मैंने बताया कि माइल्ड बेस होता है तो एज ए एंटा एसिड में इसका उपयोग किया जा सकता है, न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड इन स्टोमक एंड प्रोवाइड रिलीफ, ठीक है। जब कभी पेट में जब एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस होता है तो इसको उपयोग करने से हमारे पेट के एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और उपयोग होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटेंजाइजर, ठीक है। जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर हम लोग एसिड को मिलाते हैं तो ढेर सारे अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस होता है जो कि फायर एक्सटेंजाइजर में यूजफुल होता है, जैसे कि NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर हम लोग HCl मिला देते हैं तो सोडा हो गया, एसिड हो गया, यही सोडा एसिड हो गया, ठीक है। इसको मिला देते हैं तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है जो कि आग को ये बुता देता है, ठीक है। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंगाइजर में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वाशिंग सोडा के बारे में, ठीक है। वाशिंग सोडा क्या होता है, वो अभी जो पढ़े थे वो बेकिंग सोडा था, ये वाशिंग सोडा है, ओके। केमिकल फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, Na2CO3.10H2O। तो सोडियम कार्बोनेट तो आप समझ ही रहे हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया, डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब होता है 10, हाइड्रेट मतलब होता है वाटर, तो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ है, ठीक है। अब ये कैसा अजीब टाइप का फॉर्मूला आपको लग रहा होगा, Na2CO3.10H2O, या तो वाटर अटैच होता है, ये डॉट वाला क्या सिस्टम है, इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये अभी थोड़ा देर के बाद इसको मैं बता दूंगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, अभी के लिए मान के चलो कि इसका फॉर्मूला पूरा Na2CO3.10H2O ये होता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि वाशिंग सोडा का प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का प्रिपरेशन हम लोग कैसे करने जा रहे हैं। तो ये जो हमारा पास जो बेकिंग सोडा वाला जो फॉर्मूला था, बेकिंग सोडा के प्रिपरेशन वाला जो था फॉर्मूला, उसी का उपयोग करने वाला, पहला वाला देखो कि आप वही है, सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, तो फर्स्ट स्टेप हम लोग वहीं से ले लिए, मतलब कि वाशिंग सोडा बनाने के पहले हमें बेकिंग सोडा बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। बेकिंग सोडा बन गया, ओके। अब सेकेंड स्टेप में बेकिंग सोडा को, ठीक है, हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए मैंने बोला था ये वाला रिएक्शन आप पहचान लो, मैंने बोला था ना कि इसका उपयोग आगे आने वाला, यहीं पे इसका उपयोग है। बेकिंग सोडा से ही वाशिंग सोडा बनाया जा सकता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट और H2O वाटर में टूट जाता है, इसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो, ठीक है, यहाँ पे हीट करने पे ये सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड में हमें टूट जाता है और यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट हमें मिलता है। अभी भी ये सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा में नहीं बदला, ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है डेकाहाइड्रेट, 10H2 आया कहाँ अभी। तो थर्ड स्टेप में हम लोग वही करेंगे, सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ मिला देंगे, वन मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट 10 मोल ऑफ वाटर के साथ मिलाएंगे तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ये ऑटोमेटिक वाटर को अपने साथ ले लेगा और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये एक ड्राई साल्ट होता है, ठीक है, ये हाथ पे लोगे तो आपको ड्राई लगेगा, लेकिन स्लाइटली ये बेसिक नेचर का ये साल्ट होता है, ओके। लेकिन प्रिपरेशन का मैंने तरीका बता दिया, सबसे पहले बेकिंग पाउडर बनाएंगे, बेकिंग पाउडर वही वाला सोडियम क्लोराइड वाटर H2O अमोनिया के साथ मिलकर बनेगा, उसके बाद उसका हीट कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड सोडियम कार्बोनेट टूट जाएगा, उसके बाद सोडियम कार्बोनेट में वाटर मिला देंगे तो हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो कि वाशिंग सोडा होता है वो बन जाएगा, ओके। एक चीज और मैं बताना भूल गया, यहाँ पे आप समझ लो
कि अगर कोई कहता है कहीं रिएक्शन में आता है कि आप सोडियम कार्बोनेट लिखो, ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट में Na2CO3 ही लिखोगे आप, CO3 ही लिखोगे, सोडियम कार्बोनेट में सिर्फ इतना ही लिखोगे। अगर कोई कहता है कि वाशिंग पाउडर, वाशिंग सोडा का आप फॉर्मूला लिखो, तब आप ये वाला लिखोगे सोडियम कार्बोनेट .10H2 लिखना भूल मत जाना, सिर्फ सोडियम कार्बोनेट लिखने से वाशिंग सोडा नहीं बनेगा, .10H2 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मूला लिखना, सिर्फ सोडियम कार्बोनेट कोई कहता है तो सोडियम कार्बोनेट लिखो Na2CO3, अगर कोई वाशिंग सोडा का बोलता है फॉर्मूला लिखो तो Na2CO3.10H2O पूरा लिखना है, ठीक है। अब हम यूजेज ऑफ वाशिंग सोडा का करेंगे, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, ठीक है, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। तो ग्लास इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है, सोप इंडस्ट्री में उपयोग होता है, और पेपर इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। ओके, इट इज यूज्ड इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, बोरेक्स जिसको सुहागा बोलते हैं, गोल्ड के मेल्टिंग में उपयोग किया जाता है, और भी इसका उपयोग होता है। तो इसके फॉर्मेशन में सोडियम वाशिंग सोडा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स को बनने के लिए। ओके, थर्ड पॉइंट है, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज। तो जो धोने वाला जो सोडा होता है जिसको वाशिंग सोडा कहते हैं, तो कपड़े धोने में जो हमारे जो होते थे, तो कपड़े धोने में भी इसका उपयोग हम लोग जो धोबी वगैरह लोग जो यूज करते हैं वो वाशिंग सोडा का उपयोग करते हैं, और इसमें कपड़े को वाश किया क्या जाता है वाशिंग सोडा से। ओके, इसी से इसका नाम वाशिंग सोडा भी पड़ा। ओके, इट इज यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो वाटर के हार्डनेस को भी ये हटाने में मदद करता है सोडियम कार्बोनेट, जैसे कि वाटर परमानेंट हार्डनेस जो हो जाता है, जैसे कि कैल्शियम सल्फेट अगर वाटर में आ गया, ठीक है, या MgSO4 अगर वाटर में आ गया, ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग सोडियम Na2CO3 डालते हैं तो ये इसके साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस कैल्शियम CO3 प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये इसका फॉर्मेशन कर देता है, जिसके कारण इसका जो हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस जो वाटर का होता है वो उसको रिमूव करता है। हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब हो जाता है कि साबुन उसके साथ लेदर नहीं देता, मतलब कि उसके साथ जो झाग होता है वो उत्पन्न नहीं करता है, उसको हार्ड वाटर कहते हैं। अगर इस तरह का हार्ड वाटर है तो उसमें हम लोग वाशिंग सोडा मिलाते हैं, तो उसके कारण उसके हार्डनेस को वो खत्म कर देता है। रिएक्शन इसका मैंने लिख दिया, ठीक है, 2CO3 कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट ही मेनली उसमें मिक्स हो जाता है वाटर में, जिसके कारण इसका हार्डनेस बढ़ जाती है, परमानेंट हार्डनेस हो जाती है, जिसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाने से ये सोडियम साल्ट बना देता है और कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण ये परमानेंट हार्डनेस ठीक हो जाता है वाटर का। अब हम लोग समझते हैं जो आया था .10H2O, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट .10H2O जो आया था, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस वाले का ही मैं बात करता हूँ, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। अब यहाँ पे ध्यान दो, वाटर है, H2O वाटर है, सोडियम कार्बोनेट के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमारा बना रहा है वाशिंग सोडा। ओके, यहाँ पे वाशिंग सोडा पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, जब सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जुड़ा हुआ है तो ये तो पक्की बात है कि ये तो वेट हो जाना चाहिए, तो गीला गीला हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये हो जाता है कि जो सोडियम कार्बोनेट है इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये क्रिस्टल के फॉर्म में, एक क्रिस्टल के फॉर्म में ही ये पूरे अरेंज रहते हैं, पूरा मॉलिक्यूल जो है वो पूरा एक क्रिस्टल फॉर्मेशन के फॉर्म में अरेंज रहते हैं, एक पार्टिकुलर पैटर्न के रूप में अरेंज रहते हैं, ठीक है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट अगर इसमें वाटर का मॉलिक्यूल 10 डाल देते हैं तो ये जब वाशिंग सोडा बनाता है तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वेटिंग नहीं करते हैं, ये गीला नहीं करते हैं, ये भी क्रिस्टल में घुस जाते हैं, ठीक है, और क्रिस्टल को, लैटिस को पूरा मजबूत बनाते हैं। ये एक एक मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट के एक एक मॉलिक्यूल के साथ 10-10 मॉलिक्यूल वाटर के साथ अटैच हो जाते हैं, ये पूरे मॉलिक्यूलर लेवल पर चला जाता है, ठीक है। एक एक जैसे एक सोडियम कार्बोनेट है उसके साथ 10 अटैच हुआ, फिर दूसरा सोडियम कार्बोनेट आया उसके साथ फिर 10 अटैच हुआ, ठीक है। इस तरह से ये हर एक मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट के साथ 10-10 मॉलिक्यूल वाटर के जो H2O के मॉलिक्यूल है वो अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे वाटर की प्रॉपर्टी दिखने वाली नहीं है, ऐसा नहीं है कि वाशिंग सोडा को हाथ में लेंगे तो वो पूरा वाटरी दिखाई देगा, क्योंकि 10-10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो क्रिस्टल में चले जाते हैं, उसका जो लैटिस फॉर्मेशन होता है वहां पे चले जाते हैं, ठीक है। वो जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है जो सेंट्रल क्यूबिक हो गया या डायमंड स्ट्रक्चर हो गया उसमें जाके वो फंस जाते हैं, इसलिए वो वेटिंग नहीं होते, वो उसके साथ अटैच रहते हैं। उसी तरह से और भी एग्जांपल आप देख लो तो कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, ठीक है, उसी तरह से कैल्शियम सल्फेट .2H2O, कैल्शियम सल्फेट .2H2O, ठीक है,
अब यहाँ पे एक चीज और देखो, जैसे ही कैल्शियम सल्फेट का एग्जाम्पल लेते हैं, कैल्शियम कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल लेते हैं, CuSO4.5H2, ये इसका जो कलर होता है ब्लू इस कलर होता है, ठीक है, ब्लू कलर का होता है। इसको आप हीट करोगे तो क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाएंगे। जैसे कि CuSO4.5H2O को अगर आप हीट करते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, CuSO4.H2O+4H2O, ठीक है। तो ये जो सबस्टांस बने कॉपर सल्फेट जिसमें सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच है, ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, और इसके साथ चार मॉलिक्यूल वाटर बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से, और ये इसका जो कलर होता है ब्लू होता है, तो इसके कंपाउंड में कोई चेंज नहीं हुआ, कॉपर सल्फेट के गुण में कोई चेंजेस नहीं हुआ, कॉपर सल्फेट ही रहेगा, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें से पांच थे, इसमें चार निकल के बाहर हो गए हीट करने पे, लेकिन जो ये बना इसके शेप में, इसके कलर में चेंज हो जाएगा, ये व्हाइट कलर का हो जाएगा, ब्लू से व्हाइट कलर का हो जाएगा, लेकिन इसके प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होने वाला। उसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट में, अगर 10H2O इसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसमें बाहर निकल जाएगा, तब ये वेटी वेटी दिखाई देने लगेगा, गीला गीला हो जाएगा पूरा, और 10 मॉलिक्यूल आप ज्यादा हीट करोगे तो 10 मॉलिक्यूल वाटर वापस इवेपोरेट भी कर जाएंगे, तब यहाँ पे ड्राई सोडियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है, वो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, वाशिंग सोडा का प्रॉपर्टी उसमें से चला जाएगा, ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ये इसके साथ अटैच रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O और कैल्शियम सल्फेट .5H2O, ये दोनों अभी हम लोग को पढ़ना ही है, वहां पे हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.5H2O, ठीक है, इसका फॉर्मूला ऐसे हो जाता है CaSO4.1/2H2O, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट तो ये हो गया, ये हाफ है ना, हेमी हो गया, इसलिए मतलब हाफ, और हाइड्रेट मतलब वाटर, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और मॉलिक्यूल का हाफ कैसे होगा, इसका मतलब ये है कि दो मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट के साथ एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच होगा। तो इस तरह का अगर अरेंजमेंट कहीं आता है तो उसको हम लोग कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सिंगल में लिखने के लिए कैसे हो गया, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ एच टू अगर कहीं पर रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्रिपरेशन कैसे करेंगे इसका, जिप्सम से बनाएंगे, जिप्सम कहां से मिलेगा, नेचुरल फाउंड होता है, ठीक है, जैसे कोल पेट्रोलियम और जो भी मिनरल्स मिलते हैं हमें नेचर में, उसी तरह से हमें जिप्सम भी मिलता है। इसको अगर हम लोग 373 केल्विन पे अगर हीट करते हैं, ठीक है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल को लूज करेगा। अभी मैं रिएक्शन लिख देता हूं, इससे आपको समझ में जाएगा, कैल्शियम CaSO4.2H2O, ये जो हो गया कैल्शियम सल्फेट जिसमें दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, इसको कहेंगे जिप्सम, GYPS, ठीक है। इसको अगर हम लोग हीट करते हैं 373 केल्विन पे हीट करते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस डॉट हाफ एच टू ओ प्लस, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे हमें मिलेगा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस वाटर निकलेगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो अगर हम लोग कैल्शियम सल्फेट डॉट टू एच टू ओ जिप्सम को अगर एग्जैक्टली 373 डिग्री केल्विन पे अगर हीट करते हैं तो यहाँ पे हमें POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें प्राप्त होगा, साथ साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से डेढ़ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पे फॉर्मेशन इस प्रोसेस से कर सकते हैं, प्रिपरेशन इस प्रोसेस से कर सकते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या होता है, ठीक है, एक चीज और मैं बताना भूल गया, अगर इसको बहुत ज्यादा हीट कर दी, 373 से बहुत ज्यादा हीट कर देंगे तो ये डेड बर्न प्लास्टर बन जाएगा, फिर उसका कोई यूज नहीं रहेगा, ठीक है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस खराब हो जाता है, ठीक है। अब यूजर्स ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस का बात करेंगे तो ट्वाइस के मेकिंग में, ट्वाइस बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, फॉर सपोर्ट बोन फ्रैक्चर, जो बोन फ्रैक्चर होता है तो उसके ऊपर जो व्हाइट पट्टी जो बांधी जाती है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है, ठीक है,
उसका मेकिंग फायर प्रूफ ग्लोव्स, जो ग्लोव्स होते हैं उसको फायर प्रूफ बनाने के लिए इसका लेयर चढ़ा दिया रहता है, ये जल्दी से बर्न नहीं होता है कैल्शियम सल्फेट और काफी स्टेबल रहता है, इसके फायर प्रूफ ग्लोव भी बनाने में मदद मिलती है इसको। मेकिंग सरफेस स्मूथ, घर में जो पीओपी कराया जाता है, वॉल पुट्टी जो कराई जाती है उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, और कहीं पे भी सरफेस को स्मूथ करना है, कोई डिजाइनिंग बनाना है दीवार में तो उसमें भी पीओपी का उपयोग किया जाता है। पीओपी मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, इसका शॉर्ट में पीओपी बोलते हैं, पीओपी, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग उपयोग करते हैं वॉल प्लास्टर में, ठीक है, तो ये सारे यूज होते हैं। अब ये पीओपी एक्जेक्टली जब दीवार पे जाता है तो वर्क कैसे करता है, जैसे कि कैल्शियम CaSO4.5H2O, ये हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे ही इसमें वाटर मिलेगा, जैसे ही इसको हम लोग वाटर मिला के अगर इसको हम लोग कहीं वाल पे या कहीं पे लगा देते हैं या ट्वाय का फॉर्मेशन कर देते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा CaSO4.2H2O, ठीक है, तो ये वापस जो प्लास्टर ऑफ पेरिस था, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस था, इसमें अगर हम लोग वाटर मिला देते हैं, ठीक है, वाटर मिला देते हैं तो ये वापस से जिप्सम बन जाता है, जिप्सम का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। जैसे जिप्सम को हम लोग हीट किए थे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया था, लेकिन जैसे ही ये वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये धीरे धीरे जिप्सम के फॉर्मेशन में हो जाता है, लेकिन इसका जो फॉर्मेशन होता है वो धीरे धीरे होता है, घंटा दो घंटा लग जाता है, इसीलिए हमें एक घंटा इसका जो वाटर के साथ हम लोग जब इसको मिलाते हैं, जिसको आम भाषा में इसको वाटर के साथ एक सान देते हैं, इसको उसके बाद इसका हमको इसको जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जो वाटर इसमें मिला है वो इसके क्रिस्टलाइटिस तक पहुंचते पहुंचते में भी एक घंटे का टाइम लगता है, उस बीच में अगर हम उसको जिस जो भी शेप दे देते हैं उसके बाद उसको छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, तो वाटर ऑफ जो था 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ये इसके साथ जाके अटैच हो जाता है और क्रिस्टल के साथ जाके बैठ जाता है, इसके कैल्शियम हर एक मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसके साथ जब बैठ जाता है तो ये काफी हार्ड हो जाता है, ठीक है, ये पार्टिकुलर एक शेप ले लेता है, ठीक है, तो इसी तरह से ये वर्क करता है। जिप्सम को हीट कर देंगे तो हमारा पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में वापस से वाटर मिला देंगे तो वापस ये जिप्सम बन जाएगा, जैसे कि वाल पे हम लोग कहीं लगाए तो वहां पे वो जिप्सम का फॉर्मेशन कर देगा और वहां पे वो स्टेबल हो जाता है, तो ये इसका तरीका। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे था ये पूरे चैप्टर का एंड। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।